बड़ौदा की जनाक्रोश रैली की जबरदस्त सफलता के बाद गोहाना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को खुली चुनौती दे दी है। गोहाना पहुंचने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के प्रचार रथ को रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के सभी 6 हलकों में पार्टी का प्रचार करेगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा से हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की चर्चाओं पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में दीपेंद्र ने सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दे दी। दीपेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थे और कहा करते थे इससे खर्चा बचेगा, वक्त बचेगा और एनर्जी बचेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो और यहां दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएं। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से जेपी नड्डा यहां। हमारी मांग है कि ये साथ चुनाव हो। खट्टर साहब देख क्या करते थे, वन नेशन वन पोल बड़ा अच्छा है और इससे बजट की बचत होगी, तो खट्टर साहब अपने बयान को याद करें, अपने बयान पे कायम रहें, हरियाणा में 7 चुनाव कराएं, ये हम मांग करना चाहते हैं। अब अपनी बात से पीछे ना हटें। अब कह रहे हैं हाईकमांड ने परमिशन नहीं दी, अरे ये तो आपके हाथ में है। लोग चाहते जल्दी जल्दी सरकार का पीछा, जिससे सरकार से पीछा छूटे, हरियाणा में हरियाणा की जनता तैयार है। दरअसल पिछले एक महीने से हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की चर्चाएं चल रही हैं और सरकार के मंत्री और विधायक भी कई बार इसके संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब दीपेंद्र हुड्डा खुलकर सरकार और मुख्यमंत्री को एक साथ चुनाव कराने की चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल बड़ौदा की रैली में उमड़े जन सैलाब से गदगद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कांग्रेस की जीत का दावा ठोक दिया है। हुड्डा और उदय भान ने कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते अपराध से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट की चोट से जवाब देने का मन बना लिया गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये एक संकेत है कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया छत्तीस बिरादरी का। बीजेपी बीजेपी सरकार का जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं, जो काम किए हैं, विकास किया है, उसको लेकर वोट मांगे लोगों से। कौन से काम किए हैं? हरियाणा में कर्जा बढ़ाया है, बेरोजगारी में नंबर एक हुआ है और असुरक्षा में पूरे देश में जो है महिलाओं की असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। कौशल रोजगार निगम को लेकर भी आपने सवाल उठाया है, उसमें ना तो पक्की नौकरी है ना रिजर्वेशन है, तो वो विफल है। हम सरकार आएगी तो आते ही इसको चलता करेगी। कांग्रेस पार्टी देखा कितना जन आक्रोश है लोगों में, इतनी बड़ी रैली, आम आदमी पार्टी की तो स्टेट की रैली होगी, इतनी बड़ी रैली है, आम कहा है वो गुठलियाँ रह गई। आम आदमी पार्टी सब कांग्रेस में आ चुकी है और कांग्रेस का कितना ग्राफ बढ़ रहा है ये आज की रैली से भी आपको अंदाजा आ गया हो। एकदम परिवर्तन की हवा हरियाणा में पूरे कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त ढंग से चल रही है। भारत यात्रा जोड़ो के बाद न्याय यात्रा की बात हो रही है, वो कह रहे हैं बीजेपी उठी है भारत यात्रा जोड़ो की यात्रा निकाले जनाक्रोश फर्क पड़ने वाला नहीं, जिस तरह 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम सामने आया, बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। क्या लगता है कि लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस पिछली बार हारी थी क्या परिणाम होगा इस बार? 2009 की पुनरावृत्ति होगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस। एक राम मंदिर मुद्दा काफी गर्म हो गया, राम मंदिर को लेकर जिस तरह से, राम मंदिर पर किसी की ठेकेदारी नहीं, राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के किसी एक व्यक्ति के नहीं। बता दें कि हरियाणा में हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बड़ौदा रैली के बाद अब गोहाना से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रचार रथ को रवाना कर दिया है और साथ ही पिछले कई दिनों से प्रदेश के 90 के 90 हलकों में जनाक्रोश रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।